हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस ब्लॉक एस चौधरी ब्लॉक में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि नेनुआ का जो फूल होता है उसकी सब्जी कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेनुआ का फूल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मिर्च ले लेंगे चार और एक लहसुन ले। दोस्तों, ये मिर्च जो है वो ज़्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मैंने इस पर चार ले दिया। उसके बाद इसमें हम लेंगे सरसों, जिसको इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं। इसमें येलो और ब्लैक दोनों प्रकार का सरसों है, देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये जो मिर्च है, सरसों है और ये एक लहसुन लिया मैंने, इन तीनों को मैं क्या करूँगी, मिक्स करके एक पेस्ट बना दूँगी इसका। यानी इसको मैं मिक्सर में क्या कर ली हूँ, इसका पेस्ट बना ली हूँ। पेस्ट बनाने के बाद देखिए सर दोस्तों, मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और इस प्याज को मैंने क्या किया है, काट लिया है। इस प्याज को मैंने धुल के अच्छे से काट लिया है। काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई को रखेंगे, यानी जो पैन है उसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे। और देखिए दोस्तों, अब इसमें जिस सरसों का पेस्ट हमने बनाया है उसी सरसों को क्या करेंगे, इस कढ़ाई में जो है डालेंगे और इसको हम इसमें तब तक रखे रहेंगे जब तक वो रेड ना हो जाए। इसको देखिए दोस्तों, ये जो मेरा सरसों जो है ये क्या हो गया, रेड हो गया है। अब इस सब सरसों में क्या करेंगे, दो टी ऑफ स्पून फॉर्चून डालेंगे आप, या तो आप घी भी डाल सकते हैं इसमें। अब फिर हम इसमें क्या करेंगे, हाफ टी ऑफ स्पून जीरा डालेंगे और जीरे को हम रेड कर देंगे। जीरा जब तक रेड हो रहा है तब तक हम उसको रेड कर लेंगे। रेड करने के बाद जो हमने प्याज को काटा था उस प्याज को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस प्याज को हम क्या करेंगे, रेड, जब तक ये रेड ना हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद जो इसमें हमने पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को डाल देंगे। पेस्ट को डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद देखिए जो हमारा मसाला है वो क्या हो गया, अच्छे से भुना गया। अब इस मसाले को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अब जो हमारा ये नेनुआ का फूल है इसको हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से हम चलाएँगे। देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से चलाएंगे। चला के हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम भून देंगे, दो तीन मिनट तक भून देंगे। देखिए दोस्तों, ये भून गया है अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, आलू को दो तीन चार आलू को हम इसमें काट कर ऐड कर देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें आलू ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन हम मैंने क्या किया, इसमें आलू को ऐड किया। अब ऐड करने के बाद इसमें हमें जो मसाला भूना था उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद अच्छे से हम इसको क्या करेंगे, इसमें से मिला के अच्छे से इसको हम चलाएंगे। चलाने के बाद हम इसमें 1 टी स्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम उसको अच्छे से चलाएंगे, नमक को अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों, अब इसमें आलू चाहे तो मिला भी सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे हैं तो इसलिए मैंने इसमें आलू को मिक्स कर दिया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आलू ही खाते हैं। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, कम से कम इसको 2 से 4 मिनट तक हम अच्छे से चला के भूनेंगे। देखिए, इसको हमने अच्छे से 4 से 5 मिनट तक भून दिया। उसके बाद इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। दोस्तों, अब चाहे तो अगर आलू नहीं डालते हैं तो आप इसमें पानी भी नहीं डाल, तब भी ये चल जाएगा, क्योंकि आलू जो है वो तो होगा नहीं, तो इसलिए आलू को होने के लिए हम इसमें पानी को मिक्स करते हैं। आप चाहें तो इसमें बिना पानी मिक्स किए ही जो नेनुए का फूल है उसको स्लो मोशन से पका सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने इसमें पानी को जो डाला था, ये मतलब लगभग 10 मिनट हो गया है इसको। 10 मिनट के बाद देखिए, मतलब लगभग ये पक गया है। देखिए दोस्तों, देखने में कैसा लग रहा है, ये पक गया है। देखिए दोस्तों, ये नेनुए का जो फूल होता है उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। एक बार आप जरूर ट्राई करें और इसको देखिए, लगभग ये हो गया है। और इसका जो ये पानी जो जूस है, इसमें हमारे वहाँ इसमें जिसको जूस कहते हैं, जहाँ पर बहुत अदर लोग इसको करी भी कहते हैं, इस जूस को देखिए, मतलब ऐसे आप चाहें तो इसको पूरे अच्छे से जला सकते हैं, अपने हिसाब से पूरा इसको जला भी सकते हैं, एकदम सूखा कर सकते हैं और नहीं। थैंक्स दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।